कल आपने राज्यपाल से मुलाकात की, क्या पूछा? अभी राज्यपाल महोदय का जो स्थानांतरण हुआ है और मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, तो मैंने सौजन्य भेंट की है और मणिपुर राज्यपाल बनने को उन्हें बधाई दी है। और इन 3.5 सालों में जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से सरकार की तारीफ की, बहुत सारे अनुभव हैं उनके साथ और हर कार्यक्रम में हम लोग शामिल होते थे। ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से बहुत भली महिला है, व्यवहार बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ये जो आरक्षण का मामला है, 1 घंटे में हस्ताक्षर कर दूंगी, वो तो चाहती थी, लेकिन उसको करने दे तब ना। वो करने नहीं देने वाले कौन है उसको सब जानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, रमन सिंह और सब तमाम लोग हैं जो नहीं चाहते थे देश की युवाओं को आरक्षण का लाभ मिले, वही लोग रोकते थे। अब इसको देखिए, एक तो कोई चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ राज्यपाल बना भी नहीं भेज रहे हैं, और रमेश भाई जी को प्रमोशन मिल गया झारखंड से सीधा महाराष्ट्र, तो और इनको तो लालीपॉप तक नहीं मिला, तो ये तो दुर्भाग्य है। आज एक तो कोरिया जिले जा रहा हूँ, जहाँ कोरिया कुमार रामचंद्र सिंहदेव जी के आज मूर्ति का अनावरण होना है, आज उसकी जयंती भी है, और उसके बाद कुंकुरी वहाँ महोत्सव का आयोजन हुआ है, उसमें भी शामिल होऊंगा। तो 2 कार्यक्रम हैं। लोकसभा हो या कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, विजय सिंह और एक खड़गे साहब, इनके इस बिना आपत्ति के इनके भाषण के अंश और नोटिस भी दिया गया है। राहुल जी पहले क्या बोलते थे, पद यात्रा शुरू किए तो उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में बोलने नहीं देते, मुद्दा को उठाने नहीं देते, सुनते नहीं, और सुनते भी हैं तो उन विषयों को एड्रेस भी नहीं करते। आज जो 7 सितंबर के पहले जो बात राहुल जी कहते थे, आज से ही साबित हुआ। और मैं तो कल भी बोला था कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं कितनों पे भारी पड़ता हूँ, कितनों पे भारी हूँ, लेकिन अडानी का नाम नहीं लेके वो अडानी सिद्ध कर दिया कि अडानी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर भी भारी है, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। बस आपको नहीं है बहुत, देखिए बजट तो आने दीजिए, अभी अब 1 मार्च विधानसभा होगा, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, नए राज्यपाल एड्रेस करेंगे, तो उसके बाद चर्चा होगी, फिर बजट प्रस्तुत होगा, और तब तक के थोड़ा इंतजार करिए क्या क्या होने वाला है। सर, लगातार आप लोग ये कहते आए हैं कि नक्सलवाद कम हुआ है, सुरक्षा हटा ली गई है, बिल्कुल गलत बात है। केदार कश्यप चुनाव हार गए हैं, गागड़ा जी चुनाव हार गए हैं, जेड प्लस है, हमने कहीं कमी नहीं की। रमन सिंह जी की क्या स्थिति है, कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाते भी नहीं, और उसकी सुरक्षा देखिए, मुख्यमंत्री से ज़्यादा सुरक्षा उनको मिला हुआ है, एनएसजी का है, मुख्यमंत्री की नहीं है ये। और राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी का सुरक्षा ये लोग हटा दिए, हटाने का काम ये करते हैं, राजनीतिक द्वेषवश ये निर्णय लेते हैं, हम लोग उस प्रकार से नहीं करते। हाल ही में रमन सिंह जी आगे अभी और भी होगा, तो क्या लगता है सर, शब्द इस्तेमाल करें टारगेट के लिए? देखिए ये जो समय है, हर साल का पिछले साल रिकॉर्ड निकाल दे, इस समय में ये लोग इस प्रकार से घटनाएं करते हैं। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की हत्या हुई है और बेहद दुर्भाग्यजनक है, लेकिन इससे ये भी सिद्ध होता है कि भारत जो नक्सल है वो अब घर में घुस के व्यक्तिगत रूप से कहीं कहीं जा के हत्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसकी ताकत बहुत कमज़ोर हो चुकी है और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और मैंने अभी DG को निर्देश किया कि जितने भी सभी दलों की बैठक तत्काल सभी SP ले लें जो नक्सल प्रभावित जो ज़िले हैं, और सभी राजनीतिक दलों की बैठक करके जो ऐसे समय में सुरक्षा को ध्यान रखना है, कहीं जा रहे हैं तो बता के जाएं,
सुरक्षा में जाएं। तो इस प्रकार के मैंने अभी ही डीजी साहब से कहा कि सभी एसपी बैठक करके सभी को सचेत करें और सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे किसी भी दल से। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।